जी तो वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल अनम फूड एंड ब्यूटी सीक्रेट में आप सबको खुश आमदीद। आई होप तुसी लोग खुश होवोगे, वधिया होवोगे, चंगे होवोगे। और जैसा कि रमज़ान का महीना है, मैंने रेसिपीज कुछ डाली हैं, कुछ मैंने अपलोड नहीं की है। पिछले दिनों में मैंने एक ही उसमें तीन रेसिपीज शेयर की थी। उसके बाद मैंने यखनी पुलाव बनाया, जिसकी रेसिपी अभी तक नहीं मैंने अपलोड की। और मैंने आज बना लिया जी पालक। तो आज हम बना रहे हैं पालक, जो कि सहरी में पराठों के साथ भी बढ़िया ही मज़ा आता है। दो ओनियन ब्रीक चॉप किए हुए, और उसके साथ मैंने 1 कप ऑयल लिया है। ठीक है, ऑयल लेने के साथ साथ क्या करना है, 2 टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें जिनको मैंने चॉपर में चॉप किया है, और आंच को हम कर देते हैं मीडियम। और उसके साथ हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें, मैंने चॉपर में दरदरा सा इनको चॉप कर लिया था। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून अदरक है, 1 टीस्पून लहसुन है। ठीक है, उसके बाद प्याज है, टमाटर है, टमाटर को भी मैंने ऐसे, और हरी मिर्ची को भी मैंने इस तरह चॉपर में चॉप कर लिया था। और पालक मैंने लिए थे 2 बंच, छोटे छोटे से 2 बंच, वो मैंने लिए थे इनको अच्छे से धो के काट के। और इस तरह मैंने 4 आलू लिए थे जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। तो इसको बनाना शुरू कर देते हैं और देखते हैं जी क्या है रेसिपी इसकी। और बड़ा ही सिंपल बनाएंगे, बड़े ही मज़े की बनाएंगे और जल्दी से बनाएंगे। अच्छा जी, है वेखो जी, जो ते प्याज जड़े ने शैलो फ्राई हो जाए, तो शैलो फ्राई करदे आया नाल, तुसीं बड़े ही स्टाइल दे नाल चम्मच हिलांदे आया, इन्हां नूं घुमांदिया फिरांदे आया, इन्हां दा रंग होर साड़दे आया, मतलब कि लाइट ब्राउन करदे आया, साड़ ही नहीं देने इन्हां नूं, इंजन करके बस हिलांदे रहना। तो खूबसूरत तरीके दे नाल तुसीं हिलाना ताकि तुहाडी जिहड़ी सब्जी है खूबसूरत पके। तो ये देखें जी, जब आपके प्याज इस तरह इतने के सड़ जाएं, ठीक है, उनके बाद आपने इसके अंदर डाल करना है टमाटर जो आपने चॉप किया हुआ, अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी आपने साथ में सूखना है, बाद में नहीं सूखना, ताकि अच्छे तरीके से अदरक लहसुन की जो खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसको हिलाना है बढ़िया तरीके के साथ। ये देखें, ये देखें जी, मसाले का कलर टमाटरों ने वैसे ही बड़ी रौनक लगा दी है और लालम लाल हो गया है। तो वो लाल मेरी सत रखी हो बुला। चलें जी, गाने को ना ख़राब करते हुए इसके बाद क्या करना है आपने जी, इसमें सूखनी है हल्दी। ठीक है, ये देखें, सिर्फ ये टमाटरों की वजह से ही कलर आया है। बताने का मकसद आपको ये है कि कुदरती चीज़ें जितनी ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ही ठीक रहता है। ओके जी, इसके बाद हम करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी इसमें छूट देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड करने हैं चिली फ्लेक्स। हम इसमें पाउडर जो है, पाउडर मिर्च वो यूज़ नहीं करेंगे, तो मैं इसमें यूज़ करूँगी 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स के बाद आपने इसमें शामिल करना है जी नमक। नमक हम यूज़ करेंगे जी थोड़ा, क्योंकि पालक है तो पालक में नमक तेज़ हो जाता होता है खुद ब खुद से। तो इसमें 1.5 टीस्पून और ये बस थोड़ा सा और ऊपर पर। अभी आपने क्या करना है, पानी डाल के इस मसाले को चंगे तरीके से घुमाना फिराना है ताकि आपकी मिर्ची जो है वो ना सड़े। जब आपके मसाले की अदरक लहसुन की स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए, आपको लगे कि आपका बैलेंस गुड हो गया है, उसके बाद आपने फिर पालक सूटनी है, बस फिर घुमाना फिराना है। बस जी फिर तुम देखियो तो किन्ना सोना मसाले का कलर हो गया। अच्छा जी, ऐ वेखो जी, तुसी जो पालक बनानी है ना, तो पालक से कोई भी मसाला पाने की जरूरत ही नहीं होती हैगी, लेकिन फिर भी अभी इसे जीरा पावे, मतलब बाकी इसे कुछ स्पाइसेस पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पालक का खोदा ही बहुत टेस्ट होंगे। तो छोटा जरा स्पून होंगे ना, 1 टीस्पून, वो तुम जीरा पा लेना। तो जीरा पाने के बाद तुम्हें की करना, क्या वेखो जी, जो ता मसाला वधिया तरीके मिक्स हो जाए, बहुत ही वधिया तरीके अदरक लहसुन की स्मैल खत्म हो जाए, उसके बाद तुसी अपना ये पालक पा देनी है, आलू पा देने ने, तो बस इन्हों घुमाना फिराना है। तो फिर इन्ना का घुमाना फिराना है तो बढ़िया तरीके ना, तो पालक जो तुसी धोनी है ना बहुत ही अच्छे तरीके ना धोनी, क्योंकि ये होंगी है रेत, तो जिन्होंने पंजाबी से कहें फिर मुँह आएगी किरक, तो यदि वजह तो तुसी वधिया तरीके पालक नू धोना है। ठीक है, जिन्ना चिकर उस मिट्टी निकल जाए, जो भी उस रेत जी होंगी वो निकल जाए, तो हूँ तुम इस पालक में घुमा फिरा देना चंगे तरीके। तो तुम्हें पता ही है कि पालक लगती तो बहुत ज़्यादा होंगी है, तो जो ये पक जाए उदों हो जाती है माता को। तो बस फिर इन्हें तुम हम मसाले के नाल अच्छे तरीके मिक्स कर देना वधिया तरीके।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਉਮਾਉ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਸੀ ਉੰਨੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਕਾਓ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਸ਼ੁਗਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੈਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਲਕ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਘੁੱਟ ਪਾ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸ਼ੋ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਾ ਲਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੱਠੀ ਅੱਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਪੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਆਲੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਹੀ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਮੇਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਮੇਥੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਦੀ, ਅਤੇ ਪਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਕੁ ਮੇਥੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਮਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮਾਸਾ ਪੁੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਕੀ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਸਲੋਅ ਅੱਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਮੱਠੀ ਅੱਗ, ਅਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੱਕੂ ਹੁਣ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤਲੇ ਜੀ ਵਕਤ ਹੋਵਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿ ਹਮ ਢੱਕਣ ਛੂ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਪਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਜੀ ਇਹ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਅਬ ਇਸਕਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਆਪ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੀ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਕਾ ਰੰਗ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਕਿ ਰੰਗੋ ਰੰਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇ ਵਧੀਆ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਹਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਬ ਲਗਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੀਚੇ, ਤੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਨ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਨੋਨ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਇਸਮੇ ਲਗਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਸੇ। ਆਲੂ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਬਹਿਜਾ ਬਹਿਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਆਲੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਗਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਸਕੋ ਸਰਵ ਕਰੇਂ ਪਰਾਠੋ ਕੇ ਸਾਥ ਸਹਿਰੀ ਮੇ ਖਾਈਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਏ।